रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स तो आज हम प्रूव करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ लेपलास ट्रांसफॉर्म तो लेप्लास ट्रांसफ़ार्म में हमारे पास इनिशियल वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है आपके पास इफ़ एफ ऑफ टी एंडपलास्ट ट्रांसफॉर्मेबल अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ़ और उसका डेरिवेटिव अगर वो लेप्लास ट्रांसफारेबल है और हम उसके साथ ही कहते हैं एंड एफ ऑफ एस इज़ द लेपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ़ एफ ऑफ टी यानी कि हमने जो फंक्शन लिया था एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है देन द बिहेवियर ऑफ़ द फंक्शन एफ ऑफ टी इन द नाइबरहुड ऑफ टी इक्वल्स टू जीरो यानी कि जब हमारे पास जो फंक्शन होगा उसको लिमिट टी अप्रोच टू ज़ीरो करेगा कॉरिस्पॉन्ड टू द बिहेवियर ऑफ एस एफ ऑफ एस मीन्स लेपलास के साथ जब हम एस को मल्टीप्लाई करें और इन द बिहेवियर जब आपके पास नाइबरहुड एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मीन्स इसका मैथमेटिकली मतलब क्या है देखिए स्टूडेंट्स आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर आप फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें व्हेन टी अप्रोचेज टू इन जीरो ठीक है एफ एफ टी के ऊपर लिमिट अप्लाई करें व्हेन टी अप्रोचेज टू जीरो वो इक्वल होगा आपके पास लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू थ्योरम है इसको हमने प्रूफ करना है कि जब हम किसी भी फंक्शन जो हमें गिवन होता है उसके ऊग्र टी अप्रोच टू तो इन्फिनी सॉरी uh, जीरो करें या फिर उस फंक्शन का लेप्लास फाइंड करें और उसके साथ हम एस को मल्टीप्लाई करें और देन एस अप्रोच टू तो इन्फिनी लिमिट अप्लाई करें तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे ठीक है तो इसको प्रूफ किस तरह करेंगे हम तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करेंगे ठीक है so, सो यहां पर लिखे बाय डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ लेप्लास यानी कि हमारे पास जो लेप्लास डेरिवेटिव फंक्शन है उसकी डेफिनेशन यूज करेंगे तो आपके पास लेप्लास एफ डैश ऑफ टी यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन का इक्वल होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो फंक्शन ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और ये फंक्शन जीरो ठीक है ना अब यहां पर मैं लेप्लास ट्रांसफार्म की डेफिनेशन यूज करूंगा लेप्लास के हमारे पास क्या डेफिनेशन है जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी और ये आपके पास फंक्शन है एफ डैश ऑफ टी तो यहां पर आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी इन टू डी टी इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो ठीक है ओके okay. इसके बाद देखें यहाँ पर मुझे क्या करना है एस एफ एस के साथ लिमिट लेकर आनी एस अप्रोचेस टू इन्फिनीटी तो मैं इसकी दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दूंगा ठीक है तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर भी लिमिट ले लेता हूँ लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी इं डी टी इक्वल्स टू लिमिट एस अप्रोच टू इन्फिनिटी, एस एफ ऑफ एस ठीक है माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इस एफ ऑफ जीरो के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये आपके पास क्या है एस अप्रोच टू इन्फिनिटी। इसमें आपके पास एस नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स ओके ना इस लिमिट को मैं इंटीग्रल के अंदर लिख लेता हूं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी लिमिट एस अप्रोच टू इन्फिनी E power minus s t f dash of t d t equals to limit as approaches to yeah, as is, s, s, s approaches to infinity ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो ठीक है अब ये एस approaches to infinity में यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँगा इस एस की जगह तो देखिए आपके पास क्या आएगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनी e पावर एस की जगह इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स और साथ में एफ डैश ऑफ टी डी टी इक्वल होता है आपके पास लिमिट एस अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस अब यहाँ पर देखें इस एफ ऑफ ज़ीरो को मैं यूँ लिख सकता हूँ देखें माइनस लिमिट टी अप्रोच टू ज़ीरो f ऑफ t ठीक है यहाँ पर जीरो की जगह मैंने क्या लिख दिया टी और लिमिट लगा दी कि टी हमारा किसके पास अप्रोच कर रहा है जीरो को अप्रोच कर रहा है ठीक है नव यहाँ पर देखिए तो ई अप्रोचेज टू यानी कि ई पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है जीरो के तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो इक्वल्स टू लिमिट एस अप्रोच टू इन्फिनी एस एफ ऑफ एस, एस माइनस लिमिट एफ ऑफ़ टी और यहाँ पर टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को ठीक है स्टूडेंट्स तो मैं इस लिमिट टी अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ़ टी को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा लिमिट टी अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ़ टी इक्वल्स टू लिमिट एस अप्रोच टू इनफिनिटी एस एफ ऑफ एस और यही हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम था जिसमें हमने क्या कहा था कि जब फंक्शन में टी जीरो को अप्रोच करें ठीक है स्टूडेंट्स एंड लिमिट लेप्लास ट्रांसफॉर्म में लिमिट किसको अप्रोच करें इन्फिनिटी को तो देन ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आंसर आते हैं तो ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया ठीक है स्टूडेंट्स तो आज हमने क्या सीखा लेप्लास्ट सॉरी इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म